Assalamu alaikum and a very good morning. Subah Bahair Pakistan show pe aapko khush aamdeed kehte hain Roze News ke platform se. Aapki mezban Ayat Khan aapke saath maujood hain. Aur ye bataiye aap kaise hain aur kaisa guzar raha hai aapka waqt aaj, aapka din ka aagaaz kaise hua? Aur bahut se log jo hain, kyunki Saturday hai, Saturday ko late uthte hain aur lekin apni jo routine hai usko wapas lana chahiye, kyunki corona ke baad लॉकडाउन के बाद बहुत सी रूटीन जो है हमारी डिस्टर्ब हो गई और अब हम अपनी रूटीन की तरफ अल्हम्दुलिल्लाह वापस आ रहे हैं और बहुत सी चीज़ें अब नॉर्मल होनी शुरू हो गई हैं. जो रुक गई थी वो अल्हम्दुलिल्लाह स्टार्ट होनी शुरू हो गई हैं और हम अल्लाह ताला से दुआ गो हैं कि हमारे पाकिस्तान में हमेशा अमन रहे और लोग खुश रहें और पूरी दुनिया में बल्कि अमन रहे. जहाँ जहाँ हमारे पाकिस्तानी हैं जो हमें देख रहे हैं इस टाइम, उन सबको हम हेलो कहेंगे और कहेंगे, पूछेंगे उनसे कि उनका हाल कैसा है और ठीक ठाक है, अपनी फैमिली का, अपने प्यारों का कैसा ख्याल रख रहे हैं. ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है क्योंकि ख्याल रखने से मोहब्बत बढ़ती है, प्यार बढ़ता है. और जैसा कि आज हफ्ते का दिन है और मौसम भी बड़ा खुशगवार है, जी हाँ, आज मौसम बहुत खुशगवार है और क्योंकि मौसम तब्दील हो रहा है और जब मौसम तब्दील हो रहा होता है तो मौसम बहुत सी चेंजेस लेके आ रहा होता है और जब मौसम चेंजेस लेके आ रहा होता है तो आपको भी अपने अंदर चेंजेस लेके आनी चाहिए, अपने खाने पीने में, अपने पहनने ओढ़ने में. और क्योंकि मौसम तब्दील हो रहा है तो अब इसके बाद जो मौसम आएगा उसमें थोड़ी सी सर्दी होगी और ठंड की तरफ जाएगा, उसमें आपको ज़्यादा परहेज़ की ज़रूरत होगी. लेकिन अगर आप ये सोच रहे हैं कि आप इन दिनों में शॉपिंग करें या अपने लिए नए कपड़े ख़रीदें तो अभी नहीं, कुछ दिन रुक जाएं क्योंकि मौसम चेंज होने वाला है. तो अभी अगर आप कोई कपड़े ख़रीदेंगे तो क्योंकि कुछ दिनों के बाद मौसम तब्दील हो जाएगा तो फिर वो आपके यूज़ के नहीं होंगे, फिर आप नेक्स्ट ईयर ही इनको पहनेंगे. तो थोड़े दिन ज़रा वेट कर लें. और जैसे कि आप जानते हैं कि हमारे साथ शो पर हमारे प्यारे से गेस्ट मौजूद होते हैं, तो आज जो हमारे साथ गेस्ट मौजूद हैं उनसे हम पूछेंगे कि कैसे ट्रीटमेंट होता है हिजामा का. जी हाँ, ये एक इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से ये एक टर्म है जिसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे. और हमारे साथ मौजूद हैं मॉडल जिनका ताल्लुक शोबिज़ से है, उनसे पूछेंगे कि ये कैसी फील्ड है और उन्होंने इसका आगाज़ कब किया, कैसे किया. जी हाँ, हमारे साथ मौजूद हैं हमना मासूद जो कि मॉडल हैं, उनको हम वेलकम कहते हैं शो पर. वालेकुम सलाम. और उनके साथ हैं डॉक्टर माहरा वहीद. अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू शो. थैंक यू. कैसी हैं आप? बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच. बिल्कुल ठीक ठाक, आप ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक. तो मुझे बताइए कैसा आपका गुजरा लॉकडाउन में वक्त? लॉकडाउन में तो हमारा अभी तो चीज़ें वापस रूटीन की तरफ आ रही हैं. बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह, माशाल्लाह से चीज़ें वापसी की तरफ आ रही हैं, रूटीन में लाइफ वापस आ रही है. और क्योंकि कोरोना की वजह से हम लोगों ने तो खैर इनफैक्ट बहुत हार्ड टाइम देखा है क्योंकि मेरे फादर इस चीज़ से, इस प्रोसेस से गुजरे हैं. पूरा बहुत सवेयर टाइम था हमारा, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह कि अब माशाल्लाह से रिकवर्ड कर गए हैं वो. और क्योंकि हम, मैं ख़ुद भी कपिंग थेरेपिस्ट हूँ और हर्बल एक्सपर्ट्स भी हूँ, तो माशाल्लाह से अल्हम्दुलिल्लाह होमियो के ट्रीटमेंट से और दूसरी इन हर्बल एक्सपर्ट से माशाल्लाह से अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक हैं. बिल्कुल, डॉक्टर माहरा जो हैं वो हिजामा थेरेपिस्ट हैं, हिजामा से ट्रीटमेंट्स करती हैं. और आज हम डिस्कस करेंगे कि ये किस तरह से इसका ओरिजिन हुआ और इसकी क्या हिस्ट्री है और बेसिकली इसका प्रोसीजर क्या है. हिजामा को कपिंग भी कहा जाता है, तो उस पर आज हम आपसे पूछेंगे कि क्या इसका प्रोसीजर है, इसका तरीकाकार क्या है और इसके फ़वाद क्या है. बिल्कुल आयत, ये तो मेरे लिए बहुत खुशकिस्मती की बात है कि मुझे एक ऐसा प्लेटफॉर्म मिला है जहाँ से मैं एक बहुत अच्छे टॉपिक के ऊपर डिस्कस कर सकती हूँ और अपनी सिस्टर्स को, अपने भाइयों को ये चीज़ बता सकती हूँ कि हिजामा क्या चीज़ है, हमारी सुन्नत है, इसका क्या प्रोसेस है, इसकी क्या हिस्ट्री है, इसका क्या बैकग्राउंड है. क्योंकि बहुत कम प्लेटफॉर्म्स आपको मिलते हैं जिसके ऊपर आप प्रॉपर तरीके से किसी ऐसे इशू को डिस्कस कर सकते हैं जिसकी हमारे आसपास, हमारी सराउंडिंग्स में, स्पेशली हमारे मुल्क में अवेयरनेस ना हो. तो मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ अपने प्रोड्यूसर की भी और रोज़ टीवी की टीम की भी कि जिन्होंने मुझे ये प्लेटफॉर्म दिया कि जहाँ से मैं इस इशू को, इस टॉपिक को डिस्कस कर सकूँ और अपने बहन भाइयों को ये बता सकूँ कि हिजामा क्या चीज़ है. तो बेसिकली स्टार्ट यहाँ से करते हैं कि हिजामा जो है वर्ड अरबिक वर्ड है, ठीक है. हिजामा जो लफ्ज़ है ना, ये निकला है हजम से,
और हजम का मतलब होता है सक करना, ठीक है। अब ये सक जो है करना, ये अरबिक वर्ड्स से आपकी सकिंग, इसका मतलब है इसके थ्रू आप जब सक करते हैं ना ब्लड को, खून को इंसीनियस लगा के, तो वो जो ट्रीटमेंट है ना, दिस इज़ बेसिकली कॉल्ड हिजामा, ठीक है। ठीक है, और ये अरबिक वर्ड है। ये ज़्यादातर जो हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिन्होंने थोड़ा बहुत भी इस चीज़ को आपने रीड किया होगा, हमारी हदीसें पढ़ी होंगी, या स्पेशली आपने प्रोग्राम देखा होगा शब मेराज का, उसके ऊपर हमारे मोतबर बहुत अजीज़ हमारे हैं मौलाना तारिक जमील जी, जी इनका बयान है हिजामा के ऊपर बहुत खूबसूरत। और इसका ये कि शब मेराज पे जब हमें जब हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बुलाया गया था और सातों आसमान के ऊपर आप बुराक पे होकर आए थे, तो उस वक़्त जब आप आसमान से नीचे आ रहे थे हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो हर फरिश्ता जो था आप नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कहते हुए आपने सुना कि उन्होंने कहा अलाइका बिन बिला हज, हज आप हिजामा, अलाइका बिल हिजामा, कि अपनी उम्मत से कहो कि हिजामा करवाएं या आप हिजामा लें। तो देखें, आप ये देखें कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को शब मेराज के मौके पे एक तरीके से ये तोहफे में मिला, तो किसे मिला, इटली हमारी उम्मत को मिला। तो हम उसी चीज़ से इतना दूर हैं कि हमारे मुल्क में हम मुसलमानों को ये चीज़ पता नहीं है। अच्छा, मज़े की बात बताऊं आयत आपको, ये कि हमारे मुल्क में अवेयरनेस नहीं है। अगर आप थोड़ा सा इसको सऊदीया की साइड पे चलें, अगर आप अरब ममालिक में देखें तो इसका ट्रेंड बहुत ज़्यादा है, और जबकि पाकिस्तान में इसकी बिल्कुल अवेयरनेस नहीं है। और देखा जाता है कि अगर आप ये ट्रीटमेंट करवाना भी चाहें तो इसकी अवेलेबिलिटी यहाँ पर नहीं है। अवेलेबिलिटी नहीं है, वो इसलिए क्योंकि लोगों को पता नहीं है। ये ज़्यादातर जो है अरब ममालिक में, आप मिडल ईस्ट में चले जाएँ, अब तो खैर काफ़ी अर्सा हो गया, चाइना में भी आपने प्रेशर पॉइंट्स और वो नीडल्स के थ्रू आपने अच्छा, ये जो ट्रीटमेंट है ये प्रेशर पॉइंट्स के ज़रिए होता है? नहीं, प्रेशर पॉइंट्स के नहीं ज़रिए होता, ये बेसिकली होता था कि जब पुराने ज़माने में जब ये इलाज शुरू हुआ तो बेसिकली इसका बैकग्राउंड क्या था, मैं उसी तरफ आ रही थी कि पहले जो था ना, ये जो सींग होते थे, जैसे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस है कि शफा जो है वो तीन चीज़ों में है, एक शहद पीने में, दूसरा आग झांकने में, तीसरा पचने लगवाने में। तो व्हाट इज़ बेसिकली पचने लगवाना, पचने लगवाना इज़ बेसिकली हिजामा। अच्छा, हिजामा की जो है ना बहुत टाइप्स हैं, दिस इज़ आल्सो कॉल्ड वेट कपिंग। कपिंग बहुत तरह की होती हैं, 8-9 किस्म की होती हैं, 12 भी होती हैं, ड्राई कपिंग भी होती है, वेट कपिंग भी होती है। बट द थिंग इज़ दैट कि आपके जिसमें वेट कपिंग है ना, जिसमें आपका ब्लड निकलता है, वो सुन्नत है। ठीक, अगर आप ड्राई कपिंग करवाते हैं, अगर आप फायर कपिंग करवाते हैं, मैग्नेट कप, वो हमारा नहीं है, ठीक है। लेकिन हमारा जहाँ जिधर से आपने इंसीनियस लगा के आपने ब्लड निकाला, एक्सट्रैक्ट किया, बेसिकली आपकी बॉडी में सारा गंदा खून है, टॉक्सिन्स आपके इकट्ठे हो जाते हैं। ये जो हिजामा है, ये जो आपका गंदा खून होता है, जो उस ब्लड को आपकी बॉडी से फिल्टर आउट कर देता है, फ़िल्टर आउट कर देता है और उसकी जगह पे आपका नया खून बनता है बॉडी में। देखें, आप ब्लड डोनेट करना ही समथिंग एल्स और हिजामा करवाना ही समथिंग एल्स, ठीक है। जब आपकी बॉडी में जब आपके टॉक्सिन्स इकट्ठे हो जाते हैं, आप खुद फील करती होंगी, आप बहुत थकावट फील करती हैं, आपके मसल्स बहुत टाइट हो जाते हैं, आपको जोड़ों की दर्द शुरू हो जाती है, आपकी वेन्स टाइट। बहुत सारे मसाइल होते हैं, क्योंकि उसकी एक और वजह भी है कि यहाँ पर मसाज का ट्रेंड नहीं है। अब देखिए, हमारी अगर ब्लड सर्कुलेशन नहीं होती और हम अपनी रूटीन में बिजी रहते हैं, बहुत सारे काम होते हैं, हम उनमें इतने ज़्यादा मसरूफ़ रहते हैं कि हमें टाइम ही नहीं मिलता कि हम अपने ऊपर कुछ वक्त लगाएं, तो वो फिर यूं करते करते इतने सालों में आपके जोड़ों में दर्द और आपको ऐसे मसाइल हो जाते हैं जिसमें जिससे दो चार हो के उसके बाद आप एक अर्ली एज में बहुत सारे प्रॉब्लम्स का शिकार हो जाते हैं। स्पेशली अगर मैं बात करूं पाकिस्तान की खवातीन के बारे में, तो उनको बहुत सारे मसाइल होते हैं। अच्छा, मुझे ये बताएं कि हिजामा के ज़रिए जो हमारे खवातीन के मसाइल होते हैं, जो फीमेल इश्यूज़ होते हैं, वो कौन कौन से इससे मसले हल हो सकते हैं हिजामा से? उसमें ये चीज़ है कि हमारी इसी में है कि हिजामा जो है वो 70 बीमारियों का इलाज है, जिसमें से 35-40 जो हैं वो फीमेल्स की हैं, राइट, और इसी तरह 30-35 जो हैं मेल्स की हैं। फीमेल्स के अगर तरफ मैं आ जाती हूँ, तो फीमेल्स के जो इशू हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल आपकी प्रेगनेंसी पे प्रॉब्लम जा जाती हैं, फर्टिलिटी की प्रॉब्लम है आपको, स्पेशली आजकल जो बहुत ज़्यादा हेयर फॉल का ट्रीटमेंट है इसके अंदर, एक्नी का प्रॉब्लम है इसमें, वेट लॉस का प्रॉब्लम है इसमें,
फिर जो फीमेल्स की बैक इश्यूज होते हैं, उनकी बैक का प्रॉब्लम है, फिर आपकी शटे का पेन का इसमें ट्रीटमेंट है, फिर आपके बाद उसके अंदर आ जाते हैं जो बिफोर प्रेगनेंसी फीमेल्स को इश्यूज होते हैं और बच्चों के बाद जो औरतों को इश्यूज होते हैं, स्पेशली सेगी स्किन आपकी आ जाती है, क्रीपी स्किन इसमें आ जाती है, आपका जिस्म ढलकने लग जाता है. तो इसमें आपका शुगर है, जिगर की प्रॉब्लम्स हैं, गॉल ब्लैडर की प्रॉब्लम्स हैं, स्टमक की प्रॉब्लम्स हैं, फिर लोगों को डाइजेशन नहीं होती, ऊपर से फिर इसका मेटाबॉलिज्म के साथ बहुत ज़्यादा गहरा ताल्लुक है. ठीक है, ये भी आपके पास. तो आपका प्रॉपर 35 to 40 डिजीज़ की इसमें ट्रीटमेंट है. कि अगर मैं एक ट्रीटमेंट को ही डिस्कस करूँ तो मेरे ख्याल में सारा दिन गुजर जाएगा. तो जी, इससे बहुत सारी ट्रीटमेंट्स हैं और अभी हम आपसे मज़ीद पूछेंगे कि इससे और किस किस चीज़ का, कौन कौन सी बीमारी का इलाज हो सकता है. हमारे साथ हमारी मॉडल हमना मौजूद है. अच्छा हमना, अगर आपको ये ट्रीटमेंट करवाना पड़े या आपका दिल करे कि मैं ये हिजामा करवाऊँ, तो आप करवा लेंगी? क्योंकि देखने में ये ट्रीटमेंट ज़रा खौफनाक सा लगता है, मतलब डर सा लगता है कि ब्लड निकल रहा है, तो आप ये ट्रीटमेंट करवा लेंगी? कि ये बेटर है. कभी मौका मिला है कि इस तरह का कोई फ्रेंड ने ऐसा ट्रीटमेंट करवाया हो? नहीं, एक्सपीरियंस नहीं है. क्योंकि ये इलाज भी है और सुन्नत भी है. जी, सुन्नत है और मतलब करवाना हमारे लिए फ़ायदेमंद है और अच्छा भी है. मैं मॉडल्स वगैरह को मतलब कहूँगी कि वो अगर करवाएं तो उनकी स्किन के लिए बेटर है, उनकी बॉडी के लिए बेटर है और मतलब लोग करवाएं. लेकिन अगर मैं खुद भी करवाना चाहूँगी तो मैं लाजमी, मतलब जिस तरह इन्होंने काफ़ी ज़्यादा फ़ायदे बताए हैं इनके, तो मैं भी मतलब इसकी तरफ लाजमी जाना चाहूँगी क्योंकि ये एक अच्छी चीज़ है. सुन्नत भी है हमारी, एक अच्छी चीज़ है, एक हेल्दी चीज़ है जी. और इसके इलाज से आप बहुत बेहतर भी फील कर सकते हैं. क्यों डॉक्टर साहिबा हमारे साथ जो थेरेपिस्ट मौजूद हैं उनके साथ अब आज हम बात कर रहे हैं हिजामा के हवाले से. अच्छा मुझे ये बताइए कि अगर हम इसको फेस पे करवाना चाहें, क्योंकि बॉडी पे मैंने देखे हैं कि इसके निशानात पड़ जाते हैं, तो अगर हम इसको फेस पे करवाते हैं तो फेस पे करवाने से एक तो इसके फ़ायदे क्या हैं और दूसरा ये कि फेस पे इसके निशान तो नहीं पड़ते, और अगर निशान पड़ते हैं तो कितने दिनों तक जाते हैं? ये बिल्कुल इनकी बात, हमना की बात बिल्कुल ठीक है कि मॉडल्स को करवाना चाहिए. और अगर ये, क्योंकि बेसिकली लोग प्रोसेस देख के डर जाते हैं कि पेन प्रोसेस देखे तो मैं भी डर गई थी. मैं वही बताने, मैं उसी तरफ आ रही थी क्योंकि ये करवाना चाह रही थी लेकिन इनको ये था कि पेन तो नहीं होगी और ब्लड निकलेगा, और मैं क्योंकि मॉडल हूँ तो हमें ज़्यादा, हमारी स्किन बहुत सेंसिटिव होती है, कहीं हमारे निशान तो स्किन, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है. ठीक है, ये आपके जो निशान है वो अकॉर्डिंग टू योर स्किन टेक्सचर कि आपका सेंसिटिव है, ये एक दिन में निशान चले जाते हैं, देखें. ठीक है, और दूसरी बात कि इनका फेस का ग्लो, फेस पे हम इंसीनियस नहीं लगाते, फेस के लिए हम सिलिकॉन्स के कप यूज़ करते हैं. ठीक है, उस पर आपके फेस पे निशान नहीं आता. और दूसरा ये कि हमारी मॉडल्स हैं वो आप लोग ज़्यादा फेशियल क्लेंजिंग, ब्लीच और हेयर फॉल, तो इसके लिए अगर आप लोग इस ट्रीटमेंट की तरफ आएंगे, एक तो आपका एक्सपेंस, आपके घर में आपके फादर का, आपके हस्बैंड का, आपके भाई का एक्सपेंस कम लगेगा, और दूसरा ये कि जिस चीज़ को आप फॉलो कर रहे हैं, दिस इज़ सुन्नत. बिल्कुल, तो सुन्नत को जब आप फॉलो करेंगे तो वो तो 70-80% शफा वैसे ही है. ठीक है, समझ आ गई आपको? बिल्कुल, आपके बिल्कुल. साथ गपशप जारी है. हमारे जो गेस्ट हमारे साथ मौजूद हैं इस वक्त, टाइम हो जाता है एक छोटे से वक्फे का, वक्फे के बाद आपसे मिलते हैं. जी नाज़रीन, आपको एक छोटी सी ब्रेक के बाद खुश आमदीद कहते हैं. आपके अपने शो सुबह बख़ैर पाकिस्तान में रोज़ न्यूज़ के प्लेटफॉर्म से आपकी मेज़बान आया था, आपके साथ मौजूद हैं. और जैसे कि बात हो रही है आपके हवाले से, आपकी सेहत के हवाले से, बदलते हुए मौसम के हवाले से, तो आज हमारे साथ हमारे जो गेस्ट मौजूद हैं उनके साथ हम गपशप कर रहे हैं, उनकी ज़ुबानी उनसे सुन रहे हैं कि वो हमें क्या बताना चाहते हैं, क्या सिखाना चाहते हैं. और हमारे साथ आज शो पे जो मॉडल मौजूद हैं जिनका नाम है हमना मसूद, उनको हम, अच्छा हम हमना से ये पूछना चाहेंगे कि उन्होंने शोबिस को, मॉडलिंग को कब ज्वाइन किया? मुझे मॉडलिंग ज्वाइन किए हुए एक साल हो गया है. एक साल हो गया, तो कैसे इस फील्ड में आई आप? मैं मतलब देखती थी, मुझे इंटरेस्ट था इसमें शुरू से, एक्ट्रेसेस को, मॉडल्स को, और मतलब मुझे काफ़ी बचपन से मतलब इस चीज़ में इंटरेस्ट था. तो फिर आहिस्ता आहिस्ता मैंने स्टार्ट किया और मतलब मैंने बहुत अच्छा मतलब इसमें फील्ड में
मतलब रिस्पांस पाया कि मतलब बहुत अच्छी है फील्ड, और मतलब गर्ल्स के लिए, यंग गर्ल्स के लिए, मतलब अगर वो खुद ठीक है, अपने आप को सिक्योर रख सकती हैं, तो मॉडलिंग की फील्ड बहुत बेस्ट है, क्योंकि सबसे पहली तो फीमेल की सेफ्टी होती है। बिल्कुल ऐसा ही है। तो आपको जो जो हवातीन या जो भी लड़कियाँ हैं वो इस फील्ड में आना चाहती हैं, तो वो उनको स्ट्रांग होना और अपने हक के लिए बोलना जो है, जहाँ पर आप कोई चीज़ गलत होते हुए देखें वहाँ पर जरूर बोलें, क्योंकि अपने राइट के लिए बोलना आपका राइट है। क्या ख्याल है? बिल्कुल। तो आप मुझे ये बताएं कि आप क्या समझती हैं, अगर कोई मॉडल बनना चाहता है तो उसमें कौन सी क्वालिटीज़ होनी चाहिए? अगर कोई मॉडल बनना चाहता है उसके अंदर मतलब ये क्वालिटीज़ होनी चाहिए कि वो अपने हक के लिए लड़े, ठीक है, अगर कुछ उसके साथ गलत हो रहा है कहीं पे तो वो उसी टाइम मतलब शर्ट अप कॉल दे और उसी टाइम मतलब मतलब स्टैंड ले, तो और मतलब क्योंकि नेक्स्ट ऑल गर्ल्स के साथ कभी भी इस तरह का कुछ गलत ना हो, अगर वो ऐसे स्टेप्स लेंगी और मतलब, तो फिर ये हमारी जो मॉडलिंग फील्ड है ना, काफ़ी लोगों ने मतलब इसको वो किया हुआ है कि नहीं अच्छी नहीं है, लेकिन ये जो मॉडल्स होती हैं ना, अच्छी बुरी हर जगह होती हैं, लेकिन जिस तरह के अब ये फील्ड को मतलब किया हुआ है थोड़ा सा, फील्ड बुरी नहीं है जी, आप बिल्कुल अपनी जो हरकतें होती हैं क्या ख्याल है? बिल्कुल। अपनी हरकतों को ठीक रखें, और हमेशा जब भी आप कहीं जाते हैं तो आप अपनी फैमिली को प्रेजेंट करते हैं, आप अपने बैकग्राउंड को प्रेजेंट करते हैं, तो हमेशा कोशिश करें जो भी काम करते हैं आप, जहाँ पर भी काम करते हैं आप, वहाँ पर आप लोगों के साथ अच्छे तरीके से चलें, प्यार मोहब्बत सलूक से चलें, और क्योंकि बहुत सारे लोग मुख्तलिफ मजाजों के, मुख्तलिफ शहरों के, मुख्तलिफ इलाकों के, मुख्तलिफ फैमिलीज के इकट्ठे होकर काम करते हैं, तो वहाँ पर हमारा जो टॉलरेंस लेवल है, जो बर्दाश्त हमें करनी पड़ती है, उसको ज़रूर अपने अंदर जो स्टैमिना है उसका रखें, ताकि आप सक्सेसफुल हों, आप कामयाब हों, क्यों हम ना? ऐसे ही है, मतलब आपके अंदर अगर मतलब टॉलरेंस होगी, आप मतलब बेयर कर सकते हैं, तो फिर ही आप मतलब सक्सेसफुल होंगे, सक्सेसफुल होंगे और अच्छे इंसान बनेंगे। जी, अच्छे इंसान बनेंगे, क्योंकि सबसे ज़्यादा ज़रूरी ये है कि इंसानों में इंसानियत हो, जिसकी आजकल बहुत कमी है। बिल्कुल। अच्छा, बात हो रही है आज, एक्सक्यूज़ मी, यहाँ मैं सॉरी बात काटूंगी, इनकी मैं बात कर रही थी अभी मेकअप रूम में, पीछे हमारी गपशप हो रही थी, तो कोई भी इंसान बुरा नहीं होता बेसिकली, ठीक है, एक्चुअली उसे हालात बना देते हैं। और दूसरा ये कि मॉडल्स जो हैं वो माशाल्लाह हमारी बहुत अच्छी होती हैं, शी इज़ वेरी नाइस, मैंने अभी इनसे गपशप की है, लेकिन आपको प्रोफेशन, आप लोग, आप पे स्टैंप लग जाती है ना कि ये प्रोफेशन बुरा है, ये प्रोफेशन बुरा है, प्रोफेशन बुरा नहीं होता, आपकी अपनी क्रेडिबिलिटी होती है बेसिकली कि आपने किस तरीके से काम करना है। बात ये ना कि जब लोग इंप्रेशन ले लेते हैं किसी चीज़ का कि ये चीज़ बुरी है, तो वो इंप्रेशन सदियों तक चलता रहता है। बिल्कुल, बिल्कुल। अब अगर किसी फील्ड के बारे में ये कह दिया जाता है कि इसमें इस तरह के लोग जाते हैं, तो वो जो है ना, वो कुछ मुनासिब गैर मुनासिब सा हो जाता है। तो ये है कि अपनी सोच को तब्दील करें, पॉजिटिव सोचें, अच्छा सोचें, आप जिस भी फील्ड में जाएं अपनी परफॉर्मेंस अच्छी रखें, अपना करैक्टर अच्छा रखें, ये चीज़ ज़रूरी है। तो जैसे कि हिजामा की भी आज हम डिस्कस कर रहे हैं, तो मुझे हमने आप ये बताएं कि आप हिजामा का ट्रीटमेंट करवाएंगी? हिजामा का मुझे थोड़ा सा डर लगता था, लेकिन मैं क्वेश्चन करना चाहूँगी, क्या इसमें मतलब थोड़ा बहुत पेन होता है? मुझे मतलब थोड़ा सा हो रहा था कि जैसे देख के कि शायद इसमें काफ़ी ज़्यादा पेन होती है। बिल्कुल, इसमें यही देखने वाले को यही लगता है कि पेन हो रही है, लेकिन पेन का मैं आपको इस तरीके से समझा सकती हूँ कि जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल कितनी पेन होगी, ये आपको ये डर है ना कि इंसीनियस लगेगा, ब्लड लगेगा, कट होगा, तो क्या होगा, तो मैं आपको हाथ दिखाएँ, मैं आपको बताती हूँ। देखें, जैसे ये है ना, ये मेरा नेल है ना, ये देखें, पेन हो रही है? नहीं, बिल्कुल पता नहीं, बिल्कुल नहीं पता चल रहा, बस इतनी पेन होती है कि आपको फील भी नहीं होता, और उसके बाद हम ऊपर कप लगा के तो वो जो सकिंग होती है वो एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं आपका ब्लड, तो वो जितना ब्लड आपका ऊपर वेसल्स में आया होता है ना, जो ऊपर की जो लेयर होती है स्किन की, तो उसमें जो आपका गंदा खून होता है, टॉक्सिन्स होते हैं, आपने गंदी मेडिसिन खाई है, जंक फूड खाया होता है, बर्गर्स, कोल्ड ड्रिंक्स, तो वो जितना आपके जिस्म का फासद खून है ना, गंदा खून है, वो सारा का सारा आपका खून निकल जाता है, और उसकी वेसल्स में आपका एक नया आता है, और आप खुद अपने अंदर एक एनर्जी फील करते हैं कि अब 7-8 दिन के बाद आप देखेंगे कि आप एक कि आपके चेहरे पर एक नई रौनक आ गई है, आपके अंदर एक नई तवानाई जिसे आप फील करते हैं। तो कहने का मकसद ये है कि जिम, दूसरी चीज़ों से बेहतर है कि
اپنی سنت کی طرف آئیں, اپنے قرآن کی طرف آئیں اور اس کو فالو کرنے کی کوشش کریں. بالکل, قرآن میں ہر بیماری کا علاج بتایا گیا ہے. اور اچھا مجھے یہ بتائیں کہ یہ جو جوڑوں کا درد ہے اس کا بہت زیادہ مسائل ہوتے ہیں اسپیشلی خواتین کو ہمارے یہاں پاکستان میں, تو اس کے لیے بتائیں کہ اس کے لیے جوڑوں کے درد آج ٹریٹمنٹ وہ لیتے ہیں تو اس کتنے اس کے سیشنز ہوتے ہیں, اگر کوئی آپ کے پاس پیشنٹ آتا ہے تو اس کے کتنے سیشنز میں وہ ٹھیک ہو جاتا ہے؟ اچھا, ہجامہ میں یا جسے آپ انگلش میں کہہ لیں اٹس کپنگ, ٹھیک ہے, دو طرح کی کپنگ ہے نا, ڈرائی کپنگ بھی ہے, ویٹ کپنگ بھی ہے. ویٹ کپنگ سنت ہے, ٹھیک ہے. اس میں یہ ہے کہ جوائنٹ پینس از آلسو کالڈ جوڑوں کا درد اور وٹ ایور آپ کی بیک میں کہیں پر بھی آپ کے پرابلمز ہیں, اس کو یہ ہے کہ اس کے سیشنز نہیں ہوتے, اس کے بیسیکلی پوائنٹس ہوتے ہیں. کہ آج آپ کو اگر آپ کو فیل, میں آپ کو دو پوائنٹس آپ کے جوائنٹس میں لگا دیتی ہوں اور آپ کو تھوڑی سی فیلنگز آتی ہیں, آئی اوئی آئی, یہ نہیں کرنا, تو وہ پھر اکارڈنگ ٹو دا پیشنٹ ہم کہتے ہیں اوکے فائن, دو پوائنٹس لگا دیتے ہیں, دو آپ کل لگوا لیں, ٹھیک ہے, ورنہ آپ کے دو تین پوائنٹس ادھر لگیں گے, دو تین پوائنٹس آپ کے ادھر لگیں گے. پھر آپ کا یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ اگلے مہینے کروانا چاہتے ہیں, آفٹر ون منتھ کروا لیں, آفٹر ٹو منتھس کروا لیں, اس کا سیشن سے ریلیٹڈ نہیں ہے, ان کا یہ پوائنٹ سے ریلیٹڈ ہوتے ہیں کہ آپ کے کون سے پوائنٹس ابھی لگیں اور کون سے پوائنٹس آپ کے ہفتے کے بعد لگیں گے. تو ہر تھری, میں یہی کہوں گی کہ ہر جو ہیلدی انسان بھی ہے, جو ہماری خواتین بالکل ٹھیک بھی ہیں, ان کو بھی ہجامہ کروانا چاہیے, کیونکہ وہ ہوتے ہیں ہمارے سنت کے پوائنٹس. سنت کے 9 to 10 پوائنٹس ہوتے ہیں, ٹھیک ہے, جس میں آپ کا ایک پوائنٹ جو ہے ہمارے آس پاس جو جادو کا نظر بد کا ایک ہمارا ہے, جو میں یہاں کلیئر کروں گی کہ بہت امپورٹنٹ پوائنٹ ہے, کیونکہ ہماری جو تھوڑی سی فیمیلز ہیں وہ نظر بد اور یہ جادو ٹونا تعویذ دھاگا یہ ہمارے یہاں پر ہماری سوسائٹی میں بہت زیادہ ہے. اب تو بہت زیادہ ہو, بہت زیادہ ہے. تو سنت کا جو ایک پوائنٹ ہے, جب ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جادو ہوا تھا, میجک ہوا تھا, سب کو پتہ ہے, بالکل, ٹھیک ہے, جب سورہ فلق ناس اتری تھی, تو اس وقت آپ نے ہجامہ کا ایک پوائنٹ لگایا تھا اپنی نیک کے اس طرف درمیان میں, ٹھیک ہے, اپنی نیک سے تھوڑا سا نیچے آپ کا ایک پوائنٹ ہے جو آپ کی 70 بیماریوں کا علاج ہے, ٹھیک ہے, گردن کے نیچے. جی بالکل, آپ کی یہ بیک کا یہ پوائنٹ, اے اگر میں کلیئر کر سکوں تو یہ والا پوائنٹ, مطلب اگر ہم اس پوائنٹ پہ ٹریٹمنٹ کرواتے ہیں, اس کا علاج کرواتے ہیں, ایگزیکٹلی, یہ آپ کا 70 بیماریوں کا علاج ہے, جس کے اندر آپ کی ایک مین پوائنٹ, جو مین آپ کی ریزن آتی ہے وہ جادو, اس پہ اگر آپ لگواتے ہیں ہر دو تین مہینے کے بعد, کیونکہ سنت ہے, انہوں نے کہا ہے, تو ہمارے نبی کی بات تو غلط ہو ہی نہیں سکتی نا. جیسے شہد لیں تو اسے شفا ہے, آگ دھانکنے سے انہوں نے کہا, منع فرمایا, لیکن اگر کسی کو شفا ہوتی ہے تو کہتے ہیں ٹھیک ہے, کہ جس فائر کپنگ کہتے ہیں ہم, فائر کپنگ بھی کرواتے ہیں. تو لیکن یہ ہے کہ آپ کوشش کریں کہ آپ ویٹ کپنگ ہی میں شفا آپ کو مل جائے, تو وہی ہمارے لیے کافی ہے. اور جوائنٹس کے لیے آپ کے سیشنز کی ضرورت نہیں ہے, آپ کے پوائنٹس کنسیڈر کرتے ہیں ہجامہ میں, کیونکہ آپ کی باڈی میں بہت سارے پوائنٹس ہیں, وہ ہر دوسرے تیسرے دن ہم نے پوائنٹس چینج کرنے ہوتے ہیں. اور اگر آپ ریگولر روٹین میں لیتے ہیں تو آپ کا جوڑوں کا درد, آپ کا بیک کا ایشو, انفیکٹ مجھے بھی بیک پین ہے. ہاں بالکل, جو کمر کا درد ہے, میں نے تھرو آؤٹ کنٹینیوس ہر 6 months کے بعد خود بھی یہ ٹریٹمنٹ کرواتی ہوں. بالکل, مجھے جب بھی چانس ملتا ہے میں ضرور کرواتی ہوں, لیکن یہ ہے کہ میرے جو استاد ہیں ڈاکٹر غفران, جن سے میں نے سیکھا ہے, ماشاء اللہ سے ہی از اے ویری نائس پرسن, ان کی مسز بھی کرتی ہیں, جبکہ ہجامہ جو ہے یہاں بہت کم جگہ ہیں, یہ میں بہت اپنے اس چینل کے تھرو سکھانے کی کوئی جگہ نہیں ہے, میں نے بہت کوشش کی. کیسے سیکھا؟ میں نے بہت کوشش کی, میں سال ڈیڑھ سال, یہ ڈاکٹر غفران کو بھی پتہ ہے, کیونکہ جس چیز کا ٹرینڈ کم ہو اس کو اگر سیکھنا بھی کوئی چاہے تو نہیں سیکھ سکتا, یا اس کو ٹریٹ کرنا, کیونکہ بالکل صحیح کہہ رہی ہیں آیت, کیونکہ بیسیکلی نا یہ میری فیلڈ نہیں ہے, میری فیلڈ کامرس ہے, میں نے کامرس کیا ہوا ہے, ٹھیک ہے, لیکن کیونکہ میرا روحانیت کی طرف بہت ہے, میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی طرف میری اٹیچمنٹ بہت زیادہ ہے, تو مجھے یہ ہوا کہ ہمیں ایجوکیٹڈ لوگوں کو یہاں پہ آنا چاہیے, کیونکہ ہجامہ جو لوگ کرتے ہیں وہ بیسیکلی پڑھے لکھے لوگ نہیں ہیں, ٹھیک ہے, لیکن میں نے بہت سال ڈیڑھ سال لگا کے, بہت محنت کر کے, بہت کوشش کر کے, کیونکہ اسلام آباد میں دیر از نو پلیس, ایگزیکٹلی, ٹھیک ہے, کہ ہماری فیمیلز آئیں لرن کریں اور ہر دوسرا انسان اس چیز کو سیکھے, تاکہ سعودی عرب مکہ مدینہ کی طرح ہمارے بھی ہر دوسرے قدم پر ایک ہجامہ سینٹر ہو, جہاں ہمارے غریب لوگ جو ہیں وہ علاج کروا سکیں. اچھا, بہت سے لوگ ایسے ہیں جب وہ حج کے لیے جاتے ہیں تو وہاں پر تو ہجامہ کا بہت زیادہ
ट्रेंड है, आप जगह जगह आपको मिलेंगे ऐसे स्पॉट्स जहाँ से आप हिजामा का ट्रीटमेंट ले सकते हैं। तो मुझे ये बताएं कि हज के दौरान जब लोग वहाँ पर जाते हैं तो ये ट्रीटमेंट करवाते हैं, तो रोज़े की हालत में भी ये ट्रीटमेंट करवाया जा सकता है, ये हिजामा का इलाज करवाया जा सकता है? बिल्कुल आप करवा सकते हैं, बिल्कुल। जिस तरह मैं अभी जिक्र कर रही थी अपने टीचर का, अपने उस्ताद का, मैं उनकी बहुत शुक्रगुजार हूँ और जितना भी मैं उनका शुक्रिया अदा करूँ कम है कि उन्होंने मुझे एक ऐसी सुन्नत पे चलने की तौफीक दी और उन्होंने मुझे सिखाया, इतनी मेहनत की उन्होंने मुझे और मैं कि उन्होंने मुझे उनकी मिसेस ने और माशाल्लाह बहुत प्यार मोहब्बत से सिखाया। और उन्होंने ही मुझे बताया कि जब आप उम्रे पे जाओ, जब आप हज करने के लिए जाओ तो वहाँ पर लोग मेडिसिंस नहीं है, वहाँ ट्रीटमेंट्स नहीं है, तो अगर आप बीमार हो या खुदा ना करे आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप अपना कप लगा लें, आप एक कप लगवा लें कहीं से। और वहाँ तो वैसे ही बहुत सस्ता है, हमारे यहाँ तो फिर भी थोड़ा बहुत चलें चार्ज कर लेते हैं, वहाँ तो बहुत सस्ता है कप है, आप एक आध अपने पॉइंट पे लगवा लें। कोई भी आपको बीमारी है, फ्लू हो गया है, बुखार हो गया है, तो आप देखें कि आप दो तीन दिन के अंदर अंदर वहाँ रह के आपने सुन्नत को फॉलो किया तो कैसे हो सकता है कि आप ठीक ना। अच्छी बात है। अच्छा हम ना मुझे ये बताइए कि आपके खूबसूरत बालों का राज क्या है, क्योंकि आजकल हेयर फॉलिंग का प्रॉब्लम जो है वो एक बहुत बड़ा इशू बना हुआ है, मर्दों में भी ख़वातीन में भी, और जैसे कि जब मौसम बदलता है और बहुत ज़्यादा पसीना आता है तो बाल और ज़्यादा उतरते हैं, तो मुझे बताएं आपने अपने बालों को कैसे मेंटेन किया हुआ है? मैं बहुत ज़्यादा ऑयलिंग करती हूँ। अच्छा, ऑयलिंग कोकोनट ऑयल मैं बहुत ज़्यादा यूज़ करती हूँ, मतलब जिस तरह कि मैं नहा रही हूँ तो नहाने से पहले लाजमी मैं कोकोनट ऑयल 1 आवर के लिए लगाती हूँ, उसके बाद मैं बाल वॉश करती हूँ अपने, फिर मैं उनकी केयर करती हूँ प्रॉपरली, मतलब कि मैं ऑयलिंग सबसे ज़्यादा मतलब मेरा और कैप्सूल्स वगैरह विटामिन ई के जो हैं वो मैं मतलब ऑयल में यूज़ करती हूँ ताकि मेरे बाल मतलब अच्छे रहें। अच्छा, विटामिन ई के जो कैप्सूल्स हैं वो अगर हम ऑयल में उसको डालकर यूज़ करते हैं तो जस्ट 1 आवर के लिए आप लगाती हैं? जी, क्योंकि बहुत सी लड़कियाँ ऐसी हैं जो रात पूरी तेल लगा के सोती हैं और कहती हैं कि सुबह हमारे बाल अच्छे हो जाएंगे, तो इस तरह का कोई फार्मूला चलता है? मतलब मैं तो हमेशा इस तरह ही करती हूँ कि मतलब जब आपने नहाना है, बाथ लेना है, तो उससे पहले मैं हमेशा ऑयलिंग कर लेती हूँ, उससे मेरे बाल काफ़ी अच्छे हो जाते हैं। और कुछ मतलब मैं मतलब मिल्क वगैरह दूध भी बहुत ज़्यादा पीती हूँ ताकि वो बालों की ग्रोथ के लिए बहुत अच्छा होता है, आपकी स्किन के लिए बहुत अच्छा है दूध जो फ्रेश होता है। तो मुझे अब ये बताएं कि क्योंकि अब अल्हम्दुलिल्लाह सब कुछ रूटीन पर वापस आ रहा है, तो आप क्या देखती हैं इस्लामाबाद में जो फैशन शोज़ होते हैं उनके बारे में आपका क्या ख्याल है, आप क्या समझती हैं कि उनमें क्या बेहतरी आनी चाहिए, उनमें क्या चेंजेस आनी चाहिए? एज अ मॉडल मैं ये कहना चाहूँगी कि उसमें बेहतरी ये आनी चाहिए कि मतलब लोगों को मतलब ये जो मॉडल्स होती हैं इनको सही से मतलब आप लोग सिक्योरिटी प्रोवाइड करें, इसके अलावा मतलब काफ़ी गैदरिंग होती है उसमें, बाकी जो मतलब मतलब जो मेन इशू है वो सिक्योरिटी का है, वो सेफ्टी का है। यस, मतलब मेल्स वगैरह बहुत ज़्यादा मतलब गैदरिंग में बहुत लोग आ जाते हैं, मतलब सिर्फ उनको अलाउ करें जो इवेंट के लिए इनवाइटेड है, मतलब कुछ ऐसे लोग भी होते हैं ना जो लोकल पीपल्स होते हैं। अच्छा, पता है क्या, फैशन शोज जब इधर होते हैं तो ओपन इनविटेशन होता है, ऐसा ही है। तो जब ओपन इनविटेशन होगा तो उस पर बहुत सारे लोग आएंगे, भगदड़ मचेगी, कुछ समझ ही नहीं आएगा। और जहाँ पर ओपन इनविटेशन होता है वहाँ पर एक ये भी होता है मसला कि बहुत ज़्यादा गैर ज़रूरी लोग आ जाते हैं, गैर ज़रूरी सा रश हो जाता है, तो वहाँ पर आप अनकंफर्टेबल फील करना शुरू कर देते हो। आपको मॉडलिंग में सबसे जो अच्छी बात लगी अभी तक वो क्या लगी? मॉडलिंग आपने मतलब इससे पॉजिटिव क्या सीखा? मैंने पॉजिटिव ये देख सीखा है कि मतलब काफ़ी मतलब अच्छी साइड भी है ये, अगर आप खुद अच्छे हो, बोल्ड हो, मतलब आप खुद फाइट कर सकते हो, मतलब अपने राइट के लिए आप ठीक हो, मतलब अपना काम अर्निंग पॉइंट ऑफ व्यू से मतलब आप मतलब क्या आप अपना काम करें और देन आप मतलब घर जाएँ, मतलब टाइमली अपना मतलब शूट है, शूट किया आपने अच्छे से, और मतलब किसी के साथ ज़्यादा कॉन्टैक्ट्स वगैरह ना रखें, मतलब आपका इमेज भी अच्छा रहेगा, गैर ज़रूरी कॉन्टैक्ट जी, अब आपका इमेज भी अच्छा रहेगा इससे, और एक तो कि मतलब आप मतलब टाइमली घर चले जाएंगे और मतलब सेफ भी रहेंगे इस वजह से आप। बिल्कुल, टाइम पे घर जाया करें, देर मत किया करें और खासकर वो हजरात जिनकी शादी हुई हुई है वो तो प्लीज़ टाइम पे घर जाया करें अगर आप चाहते हैं कि घर वालों का मूड ठीक रहे, बीवी बच्चों का मूड ठीक रहे, क्यों क्या ख्याल है? ऐसा ही है ना? नहीं बिल्कुल ठीक है। अच्छा मुझे ये मतलब सॉरी टू इंटरप्ट कि मतलब मेरे तो पेरेंट्स की तरफ से भी मुझे अल्लाह का शुक्र है बहुत सपोर्ट मिला है, कि मतलब आप लोग कुछ होता है ना कि मतलब पेरेंट्स अलाउ नहीं करते, लड़कियां क्या कर रही होती हैं वो मॉडलिंग पे जाती हैं, पेरेंट्स को बताती नहीं है, लेकिन मैं शुरू से उनको ट्रस्ट मैंने बिल्ड किया, हर चीज़ का मैं बताती हूँ, साथ लेके जाती हूँ,
अक्सर मॉडलिंग में मेरी मामा मेरे साथ होती हैं और जहाँ मैं ड्रेस चेंज करने जा रही हूँ वहाँ जाती हैं, मतलब ये अच्छी चीज़ है आपके लिए, गर्ल्स के लिए, कि वो अपने मतलब फैमिली मेम्बर्स में से किसी को एक को साथ रखें। जब आप इतने मतलब बोल्ड हो जाएँ, काफ़ी मतलब आप बड़े बन गए हैं, मतलब काफ़ी आपका अप लेवल हो गया है, देन यू कैन गो अलोन। बिल्कुल। और अच्छा, मुझे ऐसी बहुत सारी लड़कियाँ मिली हैं जो कहती हैं कि हम मॉडलिंग करते हैं, हमने घर वालों को नहीं बताया हुआ। बिल्कुल सही कह रही हैं। एक हजरात थे तो उन्होंने कहा कि मैंने शादी की हुई है, टीवी पे बता रहे हैं मैंने शादी की है, घर वालों को नहीं बताया। तो इस तरह के बड़े अजीबोगरीब इश्यूज होते हैं। देखिए, आप जब भी कोई काम करें तो आप अपने घर वालों को जो है ना कॉन्फिडेंस मिले, उससे आपको सपोर्ट मिलेगी और आप दिल लगा के काम करेंगे और कंफर्टेबल होके काम करेंगे, इजी होके काम करेंगे। जब आप कोई चीज़ छुपाएंगे तो वो कहीं ना कहीं आपको परेशान करती रहती है, तो उस परेशानी से बचने की कोशिश करें और अपने जो पेरेंट्स हैं उनको साथ लेके चलें ताकि आपके लिए भी मुश्किलें आसान हों और ट्रस्ट हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। उनको हम जो बता के करेंगे तो मतलब उसमें हम लोग हमेशा मतलब फ़ायदा उठाएंगे और कामयाबी भी हमें हासिल होगी। बिल्कुल ऐसा ही है, उनकी दुआओं से। बिल्कुल ऐसा ही है, आपके जो पेरेंट्स की दुआएं होती हैं वो आपको बहुत आगे तक ले जाती हैं। और अपने वालिदैन की जितनी ज़्यादा हो सकता है हिदमत करें, क्योंकि उन्होंने बचपन से आपको बहुत मुश्किल से पाला होता है। और बच्चे जो होते हैं वो बड़े शरारती से होते हैं और रोना भी शुरू कर देते हैं, हंसना भी शुरू कर देते हैं, तो वो माँ बाप ही होते हैं जो उनका हर बात पे लाड उठाते हैं। और जब आप मैच्योर हो जाते हैं, आप दुनिया में बाहर निकलते हैं, तो आपको एहसास होता है कि आपके घर वालों ने बड़े प्यार से आपको पाला, आपका हर लाड उठाया और कुछ ऐसे नखरे भी उठाए जो उठाने वाले नहीं थे। तो इस वजह से अपने पेरेंट्स की बहुत कदर किया करें। जैसे कि हेयर फॉलिंग का आजकल बड़ा इशू है और बड़े ज़्यादा इस तरह के शैम्पू मार्केट में आ चुके हैं, जो असली भी हैं, नकली भी हैं, जिसमें कुछ हर्बल शैम्पू हैं। तो आप माशाल्लाह से हर्बलिस्ट भी हैं, तो आप मुझे ये बताएं कि हम किस तरह से इस हेयर फॉलिंग की जो प्रोडक्ट्स हैं उनको ख़रीद सकते हैं या किस तरह से बचा जा सकता है। आयत, इसमें तो ये है कि मैं आजकल एक दो मैंने प्रोग्राम्स भी देखे हैं और उसमें वो अभी रिसेंटली मैंने एक दो शोज़ देखे थे मॉर्निंग के, और बहुत एक्सपेंसिव शैम्पूज़ बता रहे हैं वो, जो आई डोंट थिंक सो कि हम मिडिल क्लास लोग अफोर्ड कर सकते हैं। 2500 का, 3000 का शैम्पू है, फिर आप 2000 का साथ कंडीशनर लें, फिर आप उसी का 2000-3000 का आप ऑयलिंग लें, ठीक है, एक ही ब्रांड की आप तीनों चीज़ें लेंगे तो इफ़ेक्टिव है, वरना नहीं। तो मेरा ये होता है कि आप ज़्यादा कोशिश मैं यही करती हूँ अपनी सिस्टर्स को बताने की कि आप लोग एक तो अवॉइड करें मेडिसिंस, ठीक है, और घर के टोटके हर्बल्स, आपके कुरान और सुन्नत की रोशनी में जो तिब्बे नब्बी है उनको फॉलो करें। आपके अपने घर में किचन में बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो यूज़ में आती हैं और आपको बेनिफिट्स देती हैं। तो इसी तरीके से हेयर फॉल में ये होता है कि आपके अगर बाल थिन हैं, ठीक है, आपको इतना ज़्यादा एक्सपेंसिव शैम्पू लेने की ज़रूरत नहीं है कि आप मार्केट में जा रही हैं शैम्पू, अच्छा शैम्पू तो आपका 10 दिन में ख़त्म हो जाएगा, फिर क्या करेंगी आप? फॉर एग्ज़ाम्पल वो शैम्पू ही बैन हो जाता है, आपके बाल तो वहीं रह गए ना। ऐसी बातें ना करें, जो बेचारे देख रहे हैं जो इतने महंगे महंगे शैम्पूज लेके आए हैं उनको कुछ हो जाएगा। वो बेशक वो लें, देखें जो अफोर्ड कर सकते हैं वो लेंगे, जो अफोर्ड कर सकते हैं ना वो, मेरी बात पहली बात तो ये कि वो सुनेंगे, जो अफोर्ड कर सकते, बिल्कुल ऐसे जो अफोर्ड कर सकते हैं वो तो मार्केट से जाके लेते हैं, वो तो बल्कि 2-3 ही साथ खरीद के लेते हैं। बिल्कुल, मेरी इस वक्त वो सिस्टर्स मुझे सुन रही हैं जो फॉरेन कहेंगी कि हाँ हमने नहीं लेना शैम्पू, ठीक है, तो उनके लिए बेस्ट ये है कि बेटा आप जो भी शैम्पू यूज़ करो, ठीक है, जिस शैम्पू को भी आपने यूज़ करना है उसमें आप ये करें कि 1/2 टीस्पून या 1 टीस्पून मेथी दाने को आप ग्राइंड करके उस शैम्पू में आप मिक्स कर लें, ठीक है, और जब भी आप बाल धोने लगें, लगता कितनी देर है, 5 मिनट तो लगते हैं, कौन सा इतना टाइम लगता है, आपको पता है 1 घंटे बाद आपने शावर लेना है, उसे जाएं आप 1 टीस्पून जो है उसको ब्लेंडर में डाल के ग्राइंड करके अपने शैम्पू में डाल लें और उससे आप अपना जो है बाल वॉश करें, ठीक है। तो इससे क्या फायदा? उससे ये होगा, उससे वही होगा जो वो शैम्पू कह रहा था। उससे एक तो ये होगा कि आपके बाल थिक होना शुरू हो जाएंगे और ये जो गंजपन नहीं होता, ये ज़्यादातर मेल हमारे भाइयों में भी है, तो आप ये ट्राई करें, ठीक है, ये आपको अफेक्ट जो है आराम से देगा, लेकिन जब देगा ना तो बहुत तेज़ी से आपकी ग्रोथ होगी बालों में, आपको पता चलेगा, क्योंकि जब आपने मेथी दाने को शैम्पू में ऐड करेंगी ना तो जो शैम्पू में केमिकल्स एडेड हैं वो उसको कट कर देता है। अब समझ आई?
वो कट कर देगा तो वो आपके बालों के जो स्कल्प है ना उनके रूट्स में जाके उनको पावर देता है, उनको एनर्जी देता है। इस किस्म के बहुत सारे हर्बल्स प्रॉब्लम्स हैं जो होती हैं, लेकिन ये मैंने एक फॉर एग्जांपल बहुत छोटा सा एक रेमेडी बताई है जो हमारी सिस्टर्स बहुत आराम से घर में कर सकती हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। असल में हमारे जब यहाँ पर कोई इस तरह का प्रॉब्लम आता है तो उसकी वो जो भी मसला होता है उसकी प्रोडक्ट्स बहुत कॉस्टली हो जाती हैं, बहुत कॉस्टली हो जाती है। जैसे कहा जाता है किसी भी चीज़ की मांग जब बढ़ जाती है तो उसकी कीमतों में इजाफा कर दिया जाता है। तो अभी जो हेयर फॉल का प्रॉब्लम चल रहा है, स्ट्रीकिंग और हेयर कलरिंग, ये बहुत ज़्यादा हमारी चीज़ आई हुई है। इनफैक्ट मैंने खुद भी करवाई हुई है। मैं कहूँगी तो आप मतलब खुद भी ये करवाती हैं, डाइज करवाती हैं? नहीं बिल्कुल, उसमें आप ही होते हैं ना कि मैं तो साल में एक दफ़ा, साल में एक दफ़ा उसके बाद आप वो चीज़ें जो हर्बल रेमेडीज़ हैं वो यूज़ करें तो आपके जो बाल हैं ना वो वाइट नहीं होते। ये जो कलर करने के बाद बाल आपके वाइट होने शुरू हो जाते हैं ना, और आप वही शैम्पू यूज़ करते हैं, आप एक्सपेंसिव से एक्सपेंसिव प्रोडक्ट्स यूज़ करते हैं, तो अगर आप हर्बल्स की तरफ आपके आएंगे आपका हेयर फॉल नहीं होगा, आपके जो स्ट्रीकिंग करने के बाद आपके बाल डैमेज हो रहे हैं वो नहीं होंगे, लोगों के बाल इतने लंबे लंबे हल्के हो जाते हैं। अच्छा, ये जो हर्बल प्रोडक्ट्स होती हैं ये ज़्यादा इस्तेमाल करनी चाहिए, और अभी तो हर्बल हेयर डाइज भी मार्केट में आ गए हैं। बिल्कुल हर्बल, तो हम जितना कोशिश करें इन चीज़ों से बचने की हमारे लिए उतना ही अच्छा। कोशिश करें कि ज़्यादा नेचुरल रहें, क्योंकि नेचुरल रहना आपकी सेहत के लिए भी अच्छा है। अच्छा, जैसे कि देसी टोटकों के हवाले से बात हो रही है, अच्छा लोग जो हैं वो देसी टोटके करते हुए बड़ा घबराते हैं, उस तरफ आना नहीं चाहते, हर चीज़ उनको रेडीमेड चाहिए, हर चीज़ उनको जल्दी चाहिए, अब पता नहीं वक्त की कमी है या काम चोर हो गए हैं, क्या मसला हुआ है। लेकिन ये है कि कोशिश करें कि जो नेचुरल आपको चीज़ मिले आप उसको ज़रूर अवेल करें। हमारे साथ जो हमना हमारी मॉडल मौजूद हैं उनसे पूछते हैं कि हमना आपको मॉडलिंग के साथ और क्या क्या शौक़ है? मॉडलिंग, गाना गाने का शौक़ है? हाँ बिल्कुल। तो कोई अच्छा सा गाना ही सुना दें आप, हमारा पूरा दिन ऐसे हंसते मुस्कुराते हुए घूमते झूमते हुए गुजर जाएगा। इतनी अच्छी तो नहीं आवाज। आवाज आपको शौक है तो बस आप मुझे पता है फिर आप अच्छा गा लें। नहीं नहीं नहीं। अच्छा, गाना जो है ना वो जब भी मैंने किसी को गाना फरमाइश की तो वो कहते नहीं नहीं मैं नहीं गा सकता, मुझे गाना नहीं आता, नहीं, मैं तो गाता ही नहीं। वो सिंगिंग वगैरह आप मतलब सिंगर्स ही कर सकते हैं, सिंगिंग आपकी अच्छी हो मतलब आवाज अच्छी हो फिर आप मतलब गा सकते हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा मुझे ये बताइए डॉक्टर साहिबा, मुझे ये बताइए कि जो हमारे सेलेब्रिटीज़ हैं वो भी हिजामा करवाते हैं? जी बिल्कुल, सेलेब्रिटीज़ तो हमारी बहुत ज़्यादा स्पेशली सेलेब्रिटीज़ हो गई हमारी टीवी की, ये मॉडल्स वगैरह हो गई। आप आजकल तो सोशल मीडिया है, गूगल पे किसी वक्त भी आप सर्च आउट कर सकते हैं कि किन किन सेलेब्रिटीज़ ने करवाया हुआ, उनकी सारी लिस्ट आ जाती है। और कपिंग जो है ये बहुत ज़्यादा पॉपुलर है, स्पेशली स्विमर्स के लिए। और एथलीट्स हमारे बहुत, ये माशाल्लाह से हमारे शाहिद आफरीदी जो क्रिकेटर हैं इन्होंने करवाया हुआ है, और एक और क्रिकेटर भी हैं उनका नाम मुझे नहीं आता, जिनकी थोड़ी सी वो दाढ़ी वगैरह भी है, उन्होंने भी करवाया हुआ है। इसको आप गूगल पर सर्च आउट करें। और दूसरा ये कि इन लोगों के लिए बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट होता है, क्योंकि बहुत इम्पॉर्टेंट। अच्छा, ये जो घर में हवा तीन होती हैं, जब वो खाना बना रही होती हैं तो चावल उन्होंने भिगोए होते हैं पकाने के लिए, तो साथ साथ वो कच्चे चावल खाती रहती हैं, वो शौक शौक में खाती रहती हैं, और फिर इतनी आदत हो जाती है कि उनको पसंद आने शुरू हो जाते हैं, रूटीन बन जाती है। तो ये कच्चे चावल खाने से क्या ये किडनी स्टोन्स जो हैं कच्चे चावल खाने से बनते हैं? जो बिल्कुल किडनी में स्टोन्स, हाँ जी बिल्कुल स्टोन्स हो जाते हैं। देखें आप कोई भी चीज़, टमाटर के जैसे बीज हैं, टमाटर के बीज नहीं खाने चाहिए, कहते हैं टमाटर के बीज निकाल देने चाहिए, हरी मिर्च के बीज हैं वो भी, चावल कच्चे खाने से ये किडनी में स्टोन क्रिएट हो जाता है आपका, और स्टोन बनने के और भी बहुत सारे रीजंस हैं। लेकिन अगर किसी को है या कोई ऐसा इशू है और वो सिट्रॉल होता है मेडिसिन, एक लिक्विड है वो आप पी सकते हैं, सिरप है एक, लेकिन अगर वो नहीं हो सकता और आप लेते हैं तो उसके लिए सबसे बेस्ट तरीका ये है कि अगर किसी का स्टोन थोड़ा सा बड़ा है, ठीक है, और उसको प्रॉब्लम है कि वो नहीं, डरता है कि मैं ट्रीटमेंट करवाऊंगा, कोई उसे कह रहा है जी ऑपरेशन करवा लें, कोई उसे कह रहा है ये, और पेन बहुत ज़्यादा है, तो इसका फ़ौरन रिसेंटली जल्दी इसका कोई इलाज ये है कि आप जो छली के जो बैक पे वो उसके बाल नहीं होते, उसको क्या बोलते हैं, छली के जो बैक पे जो होते हैं उनको, जो छली वो क्या कहते हैं उसको, उनके बालों को, बस आप बाली छली के बालों को क्या कहते हैं, छली के जो एंड में वो लगा होते हैं ना, वो आप ले लें और उसको 100 ग्राम आप ले लें और उसके अंदर आप 3 या 4 कप पानी डाल के उसको बॉयल कर लें, ठीक है। बॉयल करने के बाद आप उसको छान लें, और छानने के बाद आप उसको ठंडा करके जब भी आपको सारे दिन में प्यास लगे आप पिए,
आप खुद देखेंगे कि वो स्टोन जो है वो ब्रेक हो गया और आपके यूरिन के थ्रू जो है वो रिलीज़ हो गया, ख़त्म हो गया। और आपको पेन फ़ौरन, इसमें ये होता है कि आपको पेन फ़ौरन जो है ना, जो आपको हो रही होती है स्टोन की, वो आपकी ख़त्म हो जाती है। बिल्कुल, जो सिट्रॉल सीरप काम करता है ना, बेसिकली वो ये काम करता है। बिल्कुल, इसके बहुत सारे फ़ायदे हैं। हमारे साथ हमना भी मौजूद हैं। हमना, मुझे ये बताएं आजकल क्या फ़ैशन ट्रेंड्स में चल रहा है? फैशन ट्रेंड्स लाइक अब जिस तरह के वेदर चेंज हो रहा है, मतलब अब जो है विंटर साइड पे जाएगा थोड़ा सा, मतलब वेदर, तो अब ये है कि लॉन्ग शर्ट्स वगैरह भी आई हुई हैं, मतलब ये ट्रेंड्स भी चल रहे हैं। इसके अलावा मतलब शलवारों का ट्रेंड, मतलब आजकल लॉन्ग शर्ट्स का ट्रेंड चल रहा है, लॉन्ग शर्ट्स भी हैं। इसके अलावा सिल्क के मतलब फैशन में आए हुए हैं। इसके अलावा ट्यूलिप्स जो शलवार होती हैं प्लेन मतलब शर्ट्स के साथ, वो हैं फैशन में, ट्रेंड्स में। राइट, ठीक है। हमारे साथ हमारी डॉक्टर साहिबा भी मौजूद हैं और अभी जो शो है वो उससे आप में आपसे इजाज़त लेने का वक्त आ गया है। आज हमारे बहुत सारी गपशप हुई, बहुत सारी बात हुई और डॉक्टर साहिबा ने हमें बहुत सारी इन्फॉर्मेशन दी और हमारी क्यूट सी मॉडल हमारे साथ मौजूद थी। हम जाने से पहले हम उनसे पूछना चाहेंगे कि वो हमारे व्यूअर्स को क्या मैसेज देना चाहती हैं। जी हमना, थैंक यू सो मच आप लोगों का मुझे बुलाने के लिए। मैं आप लोगों का बहुत थैंक यू करती हूँ, बहुत अच्छा फील हुआ मुझे। और मतलब आपका भी बहुत शुक्रिया, आप सुबह सुबह उठ के आई। नहीं, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था और मुझे मतलब रोज़ टीवी वालों को बहुत बहुत थैंक यू कि उन्होंने मुझे बुलाया। और मैं मतलब सबको ये मतलब एक मैसेज दूंगी कि मतलब ये चैनल बहुत अच्छा है और इनको मतलब लाइक भी करें, लाजमी कमेंट भी करें और मॉडल्स जो हैं मतलब इनके शोज वगैरह पे भी लाजमी आए क्योंकि काफ़ी कोऑपरेटिव और काफ़ी अच्छा चैनल है। चलें, थैंक यू सो मच फॉर योर पॉजिटिव कॉम्प्लीमेंट्स। और हमारे साथ डॉक्टर मायरा हैं, उनसे पूछेंगे कि जाने से पहले वो हमारे व्यूअर्स को क्या अच्छा सा मैसेज देना चाहेंगी। मैसेज तो नहीं है, एक रिक्वेस्ट है कि कोशिश करें सिस्टर्स को और ब्रदर्स को कि कोशिश करें प्लीज़ कि मेडिसन्स की तरफ मत आएँ और कोशिश करें शॉर्टकट तरीके मत इस्तेमाल करें। अपने कुरान को पकड़ लें, अपने सुन्नत को पकड़ लें और क्योंकि तरीका इलाज वही है, तारीख का पहला इलाज वही है, तो हिजामा की तरफ आएँ और इससे डरे नहीं। अगर आप अगर थोड़ा सा भी वो मैं इस वक्त साहिर लोधी की एक बात करूँगी कि ट्रस्ट मी, वो हमेशा यही कहते होते हैं कि ट्रस्ट करना सीखें और सुन्नत पे ट्रस्ट, मैं कहती हूँ कि सबसे बड़ी बात है। आप इस पे ट्रस्ट करें। एक दफ़ा अगर आपने हिजामा करवा लिया, ट्रस्ट मी कि आप हमेशा 2 मंथ्स के बाद आप करवाएंगे और उन मेडिसन्स की तरफ ना आए जो आपके किसी ना किसी ऑर्गन के ऊपर इम्पैक्ट कर रहा है। तो सुन्नत नबी को फॉलो करें, हमारी सुन्नत को फॉलो करें, हिजामा को फॉलो करें और ये मत, आप कोशिश तो करें, एक दफ़ा ढूंढें, निकलें, आपको पता चलेगा कि कौन कौन लोग हैं जो हिजामा कर रहे हैं। बिल्कुल, और इस्लामाबाद में तो मैं हुई। अब बिल्कुल, अब हम बहुत जल्दी मैं भी हिजामा का ट्रीटमेंट लूँगी और मैं बताऊँगी कि मेरा एक्सपीरियंस कैसा रहा। और हमेशा लोगों में अपनी रिस्पेक्ट बनाए रखें जिधर भी आप काम करते हैं, अपने घर में, बाहर, क्योंकि हर चीज़ पैसों से ख़रीदी नहीं जा सकती। अगर आप लोगों के दिलों में घर करना चाहते हैं तो अपने अच्छे अहलाक से कर सकते हैं, मोहब्बत से कर सकते हैं और आजजी से कर सकते हैं। बिल्कुल तकब्बर नहीं करना चाहिए, गरूर नहीं करना चाहिए और हमेशा कोशिश करनी चाहिए कि आप इंसानियत की रिस्पेक्ट करें क्योंकि आपको अशरफुल मखलूकात पैदा किया गया है। इस अच्छी सी बात के साथ आपसे मैं इजाज़त चाहूँगी। इंशाल्लाह आपसे कल के शो पे मुलाकात होगी। अपनी मेज़बान आयत खान को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।